वेद म्यूजिक वानसूर। शंकर भगवान ने की, ए माता जी तुमने मेरे को बचनों में और मेरे को असमंजस में डाल करके पांच बाण मांगा है। एक मैंने पहले ही तुम्हारा पोता गठवत कच के ऊपर छोड़ दी, अब मेरे पास चार बचे हैं। जो चारों पांडव की मृत्यु थी, अर्जुन की मृत्यु मेरे हाथ में थी, लेकिन तुमने वो बाण मांग करके आज कर्ण को अथास कर दिया। लेकिन मुझे एक वचन दो, कहो। बोले तू जाके नार कुलक्षेत्र भूमि का मैदान में उनका शिवर में जा करके धर्मपुत्र ने या मना कह दीजिए कि कर्ण थारो भाई है। अगर तू यह बात उन्हें कह देगी तो यहीं पर युद्ध समाप्त हो जाएगा, अपने अपने स्थान चले जाएंगे, कोई युद्ध नहीं करेगा। लेकिन मैं वचन दे दिया, वो चार बाण तुझे पकड़ा दिया। तू यह सोचे कि पांडवों के पक्ष में आकर के युद्ध करेगा, ये धर्म लुप्त नहीं होगा। चाहे धरती आसमान एक हो जाए, मैं दरियाधन को हामड़ भर ली। दरियाधन ने मेरी संकट में सब जगह मित्रता निभाई है। तू मन या सोचिए भाई आकनार करण पांडव का पक्ष में युद्ध कर लेगो। मैं युद्ध करूंगा तो दुर्योधन के ही पक्ष में करूंगा। जाओ जाओ माँ, लेकिन धर्मपुत्र को, नकुल, सहदेव को, अर्जुन को, भीम को वेद मत खोल दीजिए कि कर्ण मारो भाई से। अगर कर ये बात का मालूम चल जाएगा तो युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये कहकर के चार उबाण ले जाकर के भगवान कृष्ण को देती है। कृष्ण अति खुशी होते हैं और जब काशी जी का भान उदय होता है फिर 16वां दिन चालू होता है विद्या। अब 16वां दिन और काल कह दिया था 16वां भक्त का पर्व साहब। मैंने श्याम ने जार पढ़ दी दारी गान, श्याम ने जार पढ़ दियो मगन पढ़नो पड़ेगो। कभी लोग पढ़ रहे हैं, अब 16वां पर्व चालू होता है। 16वां पर्व जिसे कहते हैं जिस दिन कर्ण का वध होता है। और जब उसी समय कर्ण छत्रापण का धर्म निभा रहा था और इधर से पांचों पांडव अपनी सेना सजा करके तैयारी कर रहे थे, और जब उसी समय कर्ण, अर्जुन, धर्मपुत्र, भीम, नकुल, सहदेव कुल क्षेत्र भूमि के मैदान की तैयारी करते हैं, उधर से कर्ण तैयारी करके चलता है। ये ऐसा किसी को नहीं कि कुणकई का पक्का समझ सर, कुणकई को सर, कुणकई को नाचे। युद्ध भूमि के मैदान में कर्ण का हटाता है और इधर से अर्जुन का हट जाता है। और जब रास्ता के अंदर एक कर्ण को ललकार करके और एक अचानक उसे जिसको कहते हैं सरपणी, जो खांडवन के अंदर अग्नि लगाया था, जिसमें एक चूचू नाम की स्त्री बची थी, जो शेष नाग की कन्या थी, बासक नाग की पुत्री थी, चूचूमती जिसका नाम था, उस समय वो गर्भवती थी। खांडव वन के अंदर अग्नि लगा रहा था, चलते समय अर्जुन बचाने की कोशिश करती है, सर्प जल रहे थे, भक्ति का पीछे से पूछ काट लेता है। और जब उसी समय उसी के गर्भ से सुत सैन सर्प का जन्म होता है, सुत सैन सर्प का जन्म होते समय अपनी माँ को खंडत देख करके और सुत सैन भूता है, माता सबकी माता का शरीर संपन्न है लेकिन तेरा शरीर खंडत क्यों है। जब उसी समय उसने बताया था कि खांडव धा किया, जिस दिन मैं बचा करके भागने की कोशिश की उस समय कुंती पुत्र अर्जुन ने भागते समय मेरा पूंछ काट लिया, मैं गर्भवती थी बेटा, अब मेरे प्राण निछावर होने वाले हैं, लेकिन जब तक अर्जुन से बदला ना ले तब तक तू तुम्हारे लोक में मत जाना। मैं वचन देता हूं माँ, जब तक अर्जुन से लोहा और तेरा पूंछ का बदला नहीं लूंगा तब तक मैं लोक में लौट करके नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है। आज अब वो सुत सैन सरप इंतजार करता है, कर्ण हट को लेकर के आगाता है। और जब एक कर्ण को आवाज लगा करके सुत सैन सरप कहता है तो क्या कह रहा था और क्या खड़ा खड़ा कर्ण वो सुन रहा था।